या अली मदद। अलवाइज राय अबोली मिशनरी वाइज नंबर 986। 20th of September 1981 Vizin Betul Khial Darkhana Jamat Khana Dar Salam Din Darab Kisadar Din Ma Bap Ka Ek Ginan Hai Jis Mein Badi Adhyatmik Ruhani Cheeze Hai Uska Mein Aaj Aapko Khulasa Karta Hoon Maulana Hazrat Imam Pe Salawat Padho Allah Allah ये गिनान जो है वो घटपाट का गिनान है और घटपाट का बैठा गिनान है। हमारे पीरों ने जुदे जुदे समय के लिए वक्त के लिए जुदे जुदे गिनान बनाए हैं और उस समय के ऊपर वही गिनान पढ़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि ये गिनान मैयत का है तो दूसरी जगह नहीं पढ़ना चाहिए। मैयत का कोई गिनान नहीं, सिर्फ चौघड़िए बनाए गए सुबह के सांझ के और घटपाट के बैठे और उभे गिनान बनाए गए, बाकी वे इंतियां हैं। मैयत वगैरह का कोई गिनान नहीं। हमें हर गिनान जमात खाने के अंदर हम पढ़ सकते हैं और कोई भी वक्त पढ़ सकते हैं। खिरवाला सतगुर साथ गोठड़ी की जय ने नितो ने तमी रस की दिन बड़े मीठे बोल के अंदर प्यार से हमें बुलाते हैं, है मेरे प्यारो जिरे वहाला तुम अपनी दोस्ती करो गुरु के साथ मुर्शिद के साथ। गोष्ठी का जो शब्द है वो गोष्ठी है, गोष्ठी भी है और उर्दू जबान के अंदर इसको सरगोशी कहते हैं। ये दोनों बैठते दो आदमी एक दूसरे के साथ जैसे कोई बड़ी छुपाई हुई भेद की बात होवे इसको सरगोशी कहते हैं, इसको गोठड़ी कहते हैं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह के वक्त नमाज पूरी हो चुकी तो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ एक दूसरे के कान में बड़ी देर तक बातें करते रहे। लोग बैठे देख रहे थे, इतनी आहिस्ता से बातें कर रहे थे कि कुछ नजदीक बैठने हुए लोगों ने अपने कान एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके कंसंट्रेशन के साथ बहुत मेहनत की कि सुने एक आध लफ्ज मगर कोई कुछ सुन न सका। तो हजरत उमर जरा बेचैन हुए
कहने लगे या नबी, हम सब लोग बैठे हैं और आप बड़ी देर तक अली के साथ बातें करते रहे, यानी सरगोशी करते रहे। रसूल अकरम ने फरमाया, आए उमर, अल्लाह के साथ सरगोशी हो रही थी। चुप हो गए। ये जो सरगोशी है, जिसको हम गोठड़ी कहते हैं, हमारे बहुत से गिनानों के अंदर है, सतगुरु साथ है, गोठड़ी कीजिए। इस गोठड़ी का मतलब ऐसी राज की, भेद की बात कि जो दूसरों को पता ना चले। जैसे कि हमारा बैतुल ख्याल का जो गोल है, हज़रत इमाम फरमाया, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसके दरमियान और कोई नहीं। मौला के साथ दोस्ती करो, मुर्शिद के साथ मन बांधो और नितोनित अमीर रख दीजिए। हमेशा अमी के घूंट पियो अमृत। अमी कहते हैं अमृत को। ये अमृत नियाज भी है और गिनान मुशाहदा है, वो भी अमृत है। हज़रत इमाम के फरमान है, वो अमृत है। मजहब की बात सुनना, वो अमृत है। नेक बात का ख्याल करना, वो भी अमृत पीना है। ये आब हयात है जो इंसान के जीव को जिंदा रखता है, ताकत देता है, रूहानी कुवत आती है। हर रोज हमारे जमात खानों के अंदर सुबह के वक्त नियाज निकलता है। सुबह का जो नियाज है वो शुक्र वाली सांझ के नियाज से जुदा है। पानी वही है, मौला के हाथ का नियाज डालते हैं। अब वो पहला जमाना नहीं कि हम करबला की मिट्टी की, या जहां मौला पांव रखे वहां की मिट्टी उठा के छोटी छोटी हम गोलियां बनाते थे और गोली घोलते थे। उस जमाने के अंदर इमाम का मिलना बड़ा मुश्किल था। आज हजर इमाम हमारे पास वारंवार आते हैं, दो दो चार चार पांच पांच बरस में एक दफा आते हैं। पहले जमाने के अंदर तो आदमी जी पैदा होता था, मर जाता था, उसकी दो चार पीढ़ियां निकल जाती थी तो भी इमाम के जाहिर दीदार नहीं होते थे। लेकिन जमाना जैसे बदलता है, तैसे हमारे बहुत से विचार भी बदलते हैं, हमारे आमाल बदलते हैं। इस लिहाज से इमाम की बख्शिशें बदलती हैं। और इस तरह से हमको एक चीज मिलती है और वो ये है कि हजरत इमाम ने मजहब के जो सिद्धांत बना रखे हैं वो कभी बदलते नहीं, कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। जब से दुनिया बनी है तब से वही सिद्धांत चले आते हैं। तो फरमाया कि सदर दिन ने नितोनित अमीर रख दीजिए, हर रोज नियाज पियो, हर रोज गिनान गोष्ठी करो, हर रोज फरमान सुनो, गिनान बोलो, मजहब धर्म की बातों के अंदर रख लो। ये अमृत है, ये आब हयात है। जमात खाने के अंदर गिनान गोष्ठी जो होती है वो और भी उत्तम चीज है, क्योंकि एक तो जमात खाना पाक जगह है, दूसरा जमात खाना हज़रत इमाम का घर है, तीसरा जमात खाने के अंदर चालू सुबह शाम 24 घंटे रूहानियां आती जाती रहती हैं, फरिश्ते आते जाते रहते हैं। तो इस जगत के अंदर, जमात खाने के अंदर अपने नूर को रोशन करके, जलवागर करके मौला इधर बैठा है, जो जगाड़ी ने सामीरा जो बैठा, यानी उसका नूर इस जमात खाने के अंदर हर वक्त हाजर नाजर है। ये ज्योत का इशारा घटपाट की तरफ भी है। आपको याद है हम हर रोज देखते हैं कि जब ये घटपाट नियाज की क्रिया शुरू होती है तो उसके पहले हम एक बत्ती चलाते हैं। सैकड़ों साल से हमारी ये प्रथा चली आती है।
یہ ایک سمبولک نشانی ہے کہ امام کی جوت، امام کا نور ہر وقت حاضر ناظر موجود ہے. جٹ پاٹ کے پاس کے پاس جٹ پاٹ شروع ہونے سے پہلے بتی جلنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دعا شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر بتی جلائی جاتی ہے، وہ نہیں. ایک دو منٹ پہلے سے بتی جلا رکھو. پہلے تو گھی کے دیوے جلتے تھے، الیکٹریسٹی نہیں تھی. جٹ پاٹ کے پاس کے پاس یہ جو جوت ہے وہ امام کے نور کی سمبولک فارم ہے. ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم پوجا تو امام کے نور کی کرتے ہیں. جو جگاڑی نے سوامی را جو بیٹھا تو پریم سے پوجا کیجئے، محبت سے، پریم سے، شردھا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے من کی لاگنی اور عقیدے کے ساتھ اس نور کی پوجا کرو. ہم اسماعیلی مذہب والے اپنے امام کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ حضر امام کے شریر کو یا بدن کو نہیں، وہ سجدہ نور کو ہے، اللہ کو ہے، اور وہی نور ہے اور کچھ نہیں. بہت سے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ انسان تو سجدہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک کے اندر خدا نے بہت سے نبیوں کے حالات لکھے ہیں. یوسف نبی جب ایجپٹ کے اندر آئے اور ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو یوسف نبی کے جو بھائی تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ یوسف نبی کو اپنے ان بھائیوں نے کہ جن کے اندر بن یامین نہیں تھے، یوسف نبی کے سگے بھائی ایک ہی تھے بن یامین، جس کو انگلش میں بنجامین کہتے ہیں. دوسرے بھائیوں نے حسد کے کارن سے ان کی ماں جدی تھی، ان کی ماں جدی تھی، کیونکہ یوسف نبی کے اوپر ان کے باپ کا بہت پیار تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے اپنے بیٹے یوسف کو. تو دوسرے بھائیوں نے جلاپے کے کارن سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. وہ کنواں پانی والا نہیں تھا، سوکھا کنواں تھا، اور ان کے کپڑے پھاڑ کے ایک بکری ذبح کر کے اس کے لہو کے اندر کپڑوں کے اوپر چھانٹا بانٹا دے کے تو وہ کپڑے لے کے آئے، باپ کو دکھایا کہ ان کو ایک بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیا کہتے ہیں انگلش میں وولف کو، ورو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو شوق لگا. تو جب یہ بھائی، بہت لمبا قصہ ہے، میں اس قصے کے اوپر اپنا وقت اب یہاں نہیں گزارتا. ایجپٹ کے اندر جب یہ پرائم منسٹر بنے تو یہ بھائی اناج لینے کے لیے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب گئے تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا، سب بھائیوں نے سجدہ کیا. یہاں تک کہ پھر جب یہ واپس گئے اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئے تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے، اور حضرت یعنی یعقوب یوسف النبی کے باپ تھے، اور ان کی ماں دونوں نے بیٹے کو سجدہ کیا. اور بھی ایسے بہت سے قصے کہانیاں ہیں. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو خدا نے حکم کیا. اس کے پہلے آدم تو تھے، آدم پیدا ہوتے ہی فرشتوں نے سجدہ شروع نہیں کیا، آدم تو تھے، مگر جب اللہ نے کہا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. وہ امر تھا، حکم تھا، اتھارٹی تھی. وہی نور جو اللہ نے اپنا نور آدم علیہ السلام کے قالب میں رکھا، وہ نور حضرت امام کے اندر ہے. ہم لوگ نور پرست ہیں، ہم نور کی پوجا کرتے ہیں. اگر ہم بدن کو مانتے تو ہمارے اتنے بہت امام نہ ہوتے. امام علی سے ہی ہم دوسرے امامت کو مانتے ہی نہیں، جیسے کہ نوسیری. ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا سارا مذہب نور کے عقیدے اور نور کے اعتقاد کے اوپر نبھتا ہے، اور اس جوت کا مطلب بھی حضرت امام کا وہ نور، وہ جوت کہ جو اللہ کی جوت ہے، اس کی ہم پریم سے پوجا کریں، بھکتی کریں،
उसकी सेवा करें, उसकी याद करें, उसका जिक्र करें। तो ज्ञान घटपाट का है, जब ये घटपाट जमातखाने के अंदर शुरू होता है वो अजीम दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी बात है। घटपाट एक उत्तम क्रिया है हमारे मजहब की, बहुत उत्तम क्रिया। फरिश्ते आते हैं, रूहानियां आती हैं, मौला की जोत जगी हुई है, पीर सामने हाथ बांध के खड़ा है, प्रेम से इमाम को याद करो, आज हरी मारे आंगन आया। संस्कृत जबान के अंदर जो हरी है, हमारे ज्ञानों के अंदर इस हरी के शब्द का उपयोग बहुत हुआ है। पाकिस्तानियों ने यह समझ के कि यह मुस्लिम देश है और यह हिंदू का लफ्ज है, इस शब्द को निकाल के अली बना दिया। हरी उसको कहते हैं जो दुख को हर दे रहे, दूर कर दे रहे, और अली का मतलब है कि जो बुलंदी दे रहे। दोनों शब्दों में फर्क है, दोनों के मतलब में फर्क है, और गिनानों के अंदर उसका उपयोग करने में, पढ़ने में भी फर्क है। अली का मतलब है जो तुमको रूहानी दर्जे से ऊंचा ले जाए, यानी उन दर्जों में तुमको बुलंदियां इनायत करे। अली का मतलब है बहुत हाई, बुलंद, इससे ऊपर कोई दूसरा नहीं। और हरी का मतलब दुख हरने वाला, दुख दूर करने वाला, दुख मिटाने वाला। आज हरी मारे आंगने आया, मेरे दुख दूर करने वाला आज मेरे घर के पास आया है। साथे अनंत करोड़ देव ला गया, हिसाब बगैर फरिश्ते उसके साथ हैं। देव का मतलब फरिश्ते, रूहानिया। और मौला जो आया फरिश्तों को साथ लेके आया, रूहानियों को साथ लेके आया। 14 लोग, 7 जमीन और 7 आसमान हैं, उन्होंने भी मौला को बधाया, यानी आबकार दिया, खुश आमदीद कहा, वेलकम किया, खुश हुए। इस तरह से जब घटपाट की क्रिया होती है तो फिर सदर दिन कहते हैं तुम खुश हो कि मौला तुम्हारे पास फरिश्तों को लेके आया। झिरवाला जन्मों जन्म नी दोहा गाना होती ते सुहागण की दीछे पाठ में फरमाते हैं, मैं जन्म जन्म की दुखियारी थी। दुहागन कहते हैं कि जो अपने शोहर की जुदाई में पड़ी हो गए। दुहागन उसको भी कहते हैं जिसको शोहर नहीं मिलता। दुहागन का मतलब दुखियारी। मैं जन्म जन्म से 84 के फेरे में दुख उठाते उठाते एक ऐसी औरत की तरह थे देखाते खाते कि जो कद रूपी है, जिसमें अच्छाइयाँ नहीं, जिसमें कोई खूबसूरती नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं,
اس کو کوئی شوہر نہیں ملتا، وہ اپنے آپ کو بد نصیب مانتی ہے، دوہاگن بد نصیب کو کہتے ہیں۔ میں جنم جنم سے اس حالت میں تھی، یعنی مجھے امام کی شناخت نہیں تھی، ست پنت نہیں ملا تھا، سہاگن کی دھی چھ سامی، مولا نے مجھ کو خوش نصیب بنایا، مولا نے مجھے اپنی بیعت میں قبول کیا، مولا نے مجھے اپنے مذہب کے اندر قبول فرمایا، یہ ست پنت مجھ کو ملا، میں نصیب دار بنا، اور لکھ 84 کے پھیرے سے مجھے مکتی دلائی، وہ بندھن میں سے مجھے آزاد کیا، مجھ کو ایسا سوامی ملا، مجھے ایسا میرا مالک ملا کہ بس میرا سارا جنم جو ویرتھ جا رہا تھا وہ ایک لائق اور قابل جنم بن گیا۔ یہ جو لکھ 84 کا پھیرا ہے، ہم اسماعیلی مذہب والے اس بات کو مانتے ہیں، اور میں آپ کو یوں کہوں کہ مسلمان بھائیوں کو اس بات کا پتہ نہیں، لیکن قرآن شریف کے اندر بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر لکھ 84 کی باتیں ہیں۔ دن داروز ہمارے جو پیر تھے وہ آل رسول تھے، آل رسول تھے، مولا کے کٹنبی تھے، پیر ہمیشہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے، رسول اللہ کی آل میں سے ہوتا ہے، ہمارے سب پیر مولانا امام جعفر صادق کی آل میں سے ہیں، اور ہمارے سب امام بھی مولانا امام جعفر صادق کی آل میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق کے پہلے جو پیر تھے، آپ کو معلوم ہوئے کہ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیر کے اندر نبی کی جوت ہے، پیر اللہ کا رستہ بتاتا ہے، نبی اللہ کا رستہ بتاتا ہے، یعنی اللہ کا جو نور ہے وہ صاحب نور امامت کا نور ہے، اور جو نبوت کا نور ہے وہ پیری نور ہے۔ نبی محمد کے بعد جو پیر ہوئے تو وہ امام حسن تھے، امام حسین جو چھوٹے بھائی تھے وہ امام تھے، بڑے بھائی پیر تھے، اور پیر قاسم شاہ جو تھے تیسرے پیر، وہ امام حسن کے فرزند تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اس طرح ہماری پیر کی جو پوچھیاں ہیں، آپ کبھی اس میں دیکھو تو امام اور پیر ایک ہی ونش ہے، آل رسول ہیں، تو ہمارے جو پیر تھے وہ آل رسول تھے، ان سے زیادہ اسلام جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے پیروں نے اسلام کے ورودھ میں ہمیں کچھ نہیں سکھایا، اسلام تو ان کے گھر میں پیدا ہوا، علی نبی کے گھر میں قرآن اترا، علی نبی کے گھر سے اسلام کی نور اور روشنی پھیلی، وہ پیر کے جو خود آل رسول ہیں، وہ ہم کو ہندوؤں کی طرف لے جائیں گے، وہ ہم کو وہ باتیں بتائیں گے کہ جو اسلام میں نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کسی بات کو نہیں جانتے تو اس حساب سے ہم اس بات کو کھوٹی کہہ دیں، تو بات مناسب نہیں۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے آج سے کئی برس پہلے بھوت کال کے اندر ایسا کیا ہے، اور انہوں نے آروپ رکھا ہے پیروں کے اوپر کہ پیروں نے ہم کو ہندو مذہب سکھایا۔ مجھے 24 برس لگے گنان پڑھنے میں، پہلے میں نے 14 سال گنانوں کی اسٹڈی کی، بعد میں دوسرے 10 سال میں نے ریپیٹ کر کے اس کو ریوائز کیا، مجھے کہیں بھی ایسا نظر نہ آیا کہیں بھی کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہمارے پیروں نے ہم کو کہی ہوئے۔ ہر ایک گنان کے اندر بھاشا، البتہ سنسکرت، دیوناگری، پراکرت، برج بھاشا، اور گجراتی، مراٹھی، کچھی، سندھی، بنگالی، پنجابی، کشمیری، بلوچی، ایسی فارسی، اردو، عربی، 24 بھاشاؤں کا اپیوگ پیروں نے گنانوں میں کیا ہے، 24 بھاشا کے شبد گنانوں میں ہیں۔ گنان سمجھنے کے لیے یہ 24 بھاشا کا انسان کو انوبھو ہونا چاہیے، لازم نہیں کہ کوئی آدمی
संस्कृत का मास्टर होवे, मास्टर की डिग्री लेवे तो ही वो चीज हो सके। गिनानों के पूर्ते जो शब्द हैं वो हमें संस्कृत में से मिल सकते हैं, उतने शब्द हम सीख सकते हैं। 24 भाषाओं के अंदर गिनान रचे गए, इसलिए हमें कभी कोई शब्द पता नहीं लगता। तो कई लोग उस शब्द को तोड़ मरोड़ के अपने मन को लगे ऐसा बना लेते हैं। एक दफा मैं किसी जगह, नाम नहीं जाहिर करता, वाज सुन रहा था एक स्टूडेंट मिशनरी की, तो आशा जी के अनंत अखाड़े की पाठ में है, 36 करोड़ी पूरा धर्मी श्री इस्लाम शाह ने भेजा। अभी उसको यह ख्याल हुआ, इस सदर दिन तो अभी 550-600 वर्ष पहले हुए, आज आखिरी दुनिया के अंदर हम मान 2.25 करोड़ इस्माइली हैं, तो फिर सदर दिन के जमाने में 36 करोड़ इस्माइली कहाँ से होंगे। तो उसने कहा, अलाम भैया ये 36 करोड़ नहीं है, ये 36 कुल है। कुल यानी फैमिली, खानदान। बात खत्म हो गई तो मैंने कहा, देखो बेटा, कोई चीज समझ नहीं आती, अपने मन से तोड़ मरोड़ के फिक्स ना करो, ये बात बराबर नहीं। तेरे को किसने कहा कि ये 36 कुल है? मिशनरी साहब, 36 करोड़ कैसे हो सकते हैं? मैं बोला, तो तू गिनान पढ़। एक गिनान का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं दूसरे गिनान में जरूर होएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें रिपीट करके पीरों ने हमें कही हैं। मैंने कहा, पढ़ तो मुनिवर भाई, पढ़। कलयुग बैठा, उसको आश्रय 6.5-7 हजार बरस हुए हैं। पीरों ने एग्जैक्ट डेट वगैरह के साथ दिया है, आश्रय 6.5 हजार बरस पीर सदर दिन के जमाने पे, उसको 500-600 बरस और हो गए, 7 हजार बरस हुए अभी। कलयुग बैठा, द्वापर युग खत्म हुआ, द्वापर युग का सारा अकाउंट बंद हो गया, चोपड़ा स्टॉप हो गया, नया चोपड़ा शुरू हुआ। उधर से लेके पीर सदर दिन तलक 6.5 हजार बरस हुए। ये 6.5 हजार बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन हुए, जिन्होंने सतपंथ के ऊपर चल के इमाम की, अपने जमाने के नूर की शनाख्त और बंदगी की। 6.5 हजार बरस में 36 करोड़ मोमन आखी दुनिया के अंदर हुए। दसवंत के कारण से उन 36 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ पक्के दसवंदी थे, बाकियों ने दसवंत के अंदर खामी की। इसके लिए ईमान में शंक पैदा हो गया, घोरंधार में गए। घोरंधार में यानी मजहब का पता ना लगा। घोरंधार कहते हैं महान अंधेरा, कि जिसमें हाथ भी नजर ना आवे। तो तोड़ मरोड़ के घिनानों के अंदर हम अपनी मर्जी से जो मतलब कर लेते हैं वो मुनासिब नहीं। उस्तादों से सीख के मिलता है, मुर्शद की हर जगह जरूरत पड़ती है। अगर चौपड़ियां ही काफी होती तो कोई नबी भेजने की जरूरत नहीं थी, खुदा किताब उतार देता। लेकिन किताब उतारी खुदा ने तो उसके साथ साथ नबी भेजे टीच करने के लिए। किसी की ताकत नहीं कि कुरान पाक को सच्चे तौर पर समझ सके, सिवा नबी और अली के। तो गिनानों के अंदर जहां जहां ये ऐसे शब्द आते हैं उनको आप असल हालत में ही पढ़ो, भले समझ नहीं आवे, जब तक कि तुम किसी से पूछो नहीं। 84 लाख इस्लाम के अंदर मुसलमान नहीं मानते, मगर कुरान शरीफ में जगह जगह वो चीजें हैं। 1950 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान हुआ, मिशनरियों की मेहमानी में फरमान किया कि तुम मिशनरी लोग ही सदर दिन के बनाए हुए 10 अवतार को इस्लामी भावना के साथ, जमात को और इस्लामी तरीके के साथ सुनाओ। हम लोग हैरान हुए, लेकिन इमाम ने जो कहा है वो सच है, मानते हो? इस बात को मुझे कई बरस लग गए कुरान के अंदर 10 अवतार ढूंढते ढूंढते, और आखिर एक दिन मिला।
قرآن شریف میں 10 اوتار کا ذکر ہے. قرآن ایک بہت بڑی ایسی گہری کتاب ہے کہ جس کو آرڈینری آدمی نہیں سمجھ سکتا. اگر قرآن بہت آسان اور سہلا ہوتا تو یہ دنیا کے آج 1 ابج مسلمان امام کو کیوں چھوڑ دیتے؟ قرآن تو بھرا ہوا ہے امامت کے وشے کے اوپر. 320 آیتیں ہیں قرآن شریف میں امامت سبندی، مولا مرتضی علی سبندی. لیکن دنیا کے اندر میجورٹی مسلمان امامت کو نہیں مانتے. اچھی دنیا کے اندر بہت ہوئیں گے تو 20 کروڑ جتنے شیعہ ہیں، باقی 80 کروڑ یعنی 1 ابج مسلمان ہیں آج، 80 کروڑ مسلمان امامت کو مانتے ہی نہیں. تو کیا ہم امام کو نہ مانیں؟ ہمارا مذہب تو امامت کے اوپر چلا ہے. اسی طرح سے 184 کا ذکر قرآن شریف میں بہت جگہ ہے. تو 184 کا پھیرا اور بندھن چھڑایا، 184 کی بابت میں قرآن شریف میں ایک جگہ اس کو سجن کہا. سجن کہتے ہیں جیل کو، اور 184 جیل ہی ہے. صدر دین فرماتے ہیں میرے مولا نے مجھ بد نصیب کو اس بندھن میں سے چھڑا کے مجھے نصیب ونت بنایا، مجھے خوش نصیب بنایا، مجھے اپنی شرن میں قبول کیا. اس مذہب کی مجھے اوڑھن پہچان ملی جس سے میں مولا کے غلامی کے اندر آیا، جبی کے اندر آیا. جر والا آد نرنجن اگمایا گوچر نوشا نام دھرا ویارے والا ہوں بلے ہاری تے ست گر نیجے ہم گھر سوامی بھلے آ پیارے والا آج ہری مارے آنگن آیا. آج نرنجن زمین آسمان خلقت کچھ نہیں بنائی تھی، اس وقت خداوند عالمین اپنی جوت میں ایسا تھا کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. نور کیا تیز ہے، اس کے سامنے آنکھیں نہیں کھل سکتی، آنکھوں کی طاقت نہیں، سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں، ہمیں نور کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو خلقت پیدا کرنے سے پہلے مولا اپنی اس نرنجن حالت میں تھا کہ جو ہر بات کو جانتا ہے، اگم اگوچر. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے، اپنی صفاتوں کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا علیم الخبیر ہے. علیم کہتے ہیں ہر بات کو جاننے والا، اور خبیر کہتے ہیں ہر خبر کو جاننے والا، یعنی جو بناؤ بن رہے ہیں اس سے وہ واقف ہے. یہ اگم آگوچر اس کا مطلب ہے کہ جو خبیر ہوئے، یعنی جو بنتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو بنا نہیں مگر بننے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اگم آگوچر پہلے سے جانتا ہے کہ کیا بنے گا اور کیا بننے والا ہے. نوشا نام درا گیا. نوشا کہتے ہیں دلہا کو، یہ فارسی شبد ہے. دلہا کو نوشا کہتے ہیں، یعنی وہ آد نرنجن جو اپنی نورانی حالت میں تھا وہ اب دلہا بن کے آیا ہے، یعنی ظاہر شریر میں آیا ہے. حضرت امام کا ایک لقب ہے نوشا. کنانوں میں یہ نوشا کا شبد بہت ہے. جب ہی دلہا دلہن کو لینے کے لیے جاتا ہے تو دلہا کے پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں، دلہا کے پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں.
और ये मेहंदी लगाना एक किस्म का शगुन है, सखन है। आज तक ये सारी धरती कुंवारी है। हमारे गिनानों के अंदर सुरजा रानी का जिक्र है। सुरजा रानी का मैंने आपको एक दफा जिक्र किया कि उसके जाहरी मतलब क्या है, बातूनी मतलब क्या है। जाहरी मतलब तो ये है कि सारी दुनिया में आज तक एक ही मालिक राजा कभी नहीं हुआ। इस हिसाब से दुनिया जो है वो कुंवारी है, उसका धनी कोई नहीं है, जाहिर नहीं हुआ। एक दिन वो जहूर करेगा, जाहिर करेगा अपने आप को। तो वो जब जहूर होएगा उस वक्त इमाम जो होगा ना, उस इमाम का नाम कासिम शाह होगा। और वो कासिम शाह नाम श्री हसन कबीरुद्दीन ने अनंत अखाड़े में जिक्र किया है कि उस इमाम का के जो जहूरात करेगा और सारी दुनिया के अंदर अपना राज फैलाएगा, सुरजा रानी को अपने वश में करेगा, यानी सारी दुनिया उसके कंट्रोल में आएगी, उस वक्त इमामत का जो झोमा होगा उसका नाम कासिम शाह होगा। और वो सारी दुनिया का मालिक बनेगा, सब उसके शरण में आएंगे। वो नौशा होगा, वो दूल्हा होगा, सब उसी की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो नौशा नाम धरा लिया का मतलब उसने जाहिर शरीर लिया। नूर तो नूर ही है, नूर मैटर नहीं बन सकता, नूर शरीर नहीं बन सकता, मगर नूर ने जहूरात करने के लिए एक बहाना ढूंढा, शरीर एक बहाना है। तो नौशा नाम धरावया का मतलब वो इमाम बन के आए। वो नूर आद निरंजन अगम अगोचर था, जमीन आसमान कुछ नहीं था अपनी नूरानी हालत में, जिसको कोई देख नहीं सके, जिसको कोई समझ नहीं सके। वो शरीर लेके इमाम बन के तुम्हारे पास आया। कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं उस सतगुर के ऊपर, मौला के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। देखो एक और चीज आपको गिनानों के लिए बोलूं, हमारा सतगुरु पीर सदर दीन, पीर हसन कबीर दीन, पीर ताज दीन, ये जो पुठियों के जो पीर हैं वो हमारा सतगुरु है। पीर का सतगुरु इमाम है, हमको रास्ता दिखाने वाला पीर है और पीर को रास्ता दिखाने वाला इमाम है। जहां जहां भी पीरों ने अपने खुद के सतगुरु का जिक्र किया है तो पीर का सतगुरु कौन? हजरत इमाम। एक सखी मारिया तमना आधार, ये औधार के शब्द के ऊपर से फिर मैं कभी बोलूंगा आपको, इसका छेला पाठ है ना, तो लोग बोलते हैं पीर सदर दीन, पीर सदर दीन ने पकड़ी बांह, पीर सदर दीन ने हमारी बांह पकड़ी। सच है, मगर यहाँ पीर सदर दीन मौला की तरफ संबोध के कह रहे हैं, ए सखी खालक खलकना हार तेरे लई तारे, पीर सदर दीननी पकड़ी भव सागर उतारे। वो खालिक सृष्टि की रचना रचने वाला मौला, उसने मेरे को, यानी पीर सदर दीन खुद को कहते हैं कि मुझको उस मालिक ने तारा, उसने सदर दीन की बांह पकड़ी, हजर इमाम ने पीर सदर दीन की बांह पकड़ी। क्योंकि पीर सदर दीन का मुर्शद इमाम है, हमारा मुर्शद पीर सदर दीन है। तो यहां भी ये जिक्र है कि सदर दीन कहते हैं हूं बलिहारी थे सतगुरनी, यानी मैं कुर्बान जाऊं हाजर इमाम के ऊपर कि जे स्वामी अम घर आज आया, आज मेरे घर पे मेरे आंगने आया, यानी मेरे बातुन के अंदर उसकी जलवागरी हुई, जहूर हुआ। मैं कुर्बान जाऊं उस मौला के ऊपर कि जे अम घर स्वामी भले खिर वाला देव जगत माहे,
परिब्रह्मा जी था ते सतगुर साहेब सो ही रहवाला देव जगत माहे परिब्रह्मा जी था ते सतगुर साहेब सो ही रे वाला जन्मो जन्मनी शरणागत राखी थे अविचल पद मुगता हीरे वाला आज हरि मारे आंगने आव्या। इस सदर दिन फरमाते हैं देव जगत माए किताब में जुगत लिखा है, जुगत नहीं जगत। जगत कहते हैं दुनिया को और जुगत कहते हैं युक्ति को, स्पेलिंग की मिस्टेक है। देव जगत माँ परिब्रह्म दीक्षा। अब ये वो इबादत की अपने नूर के पाने की बात बताते हैं कि मैंने फरिश्तों के आलम में रूहानी दुनिया के अंदर उस परिब्रह्म को देखा। ब्रह्म कहते हैं खल्क करने वाला, पैदा करने वाला। जैसे कि ब्रह्मा को पैदा करने वाला वो ब्रह्म है, खुदावन आलमीन की वो जात के जिसने नबी मोहम्मद को बनाया। तो फरमाया है कि मैंने आलम रूहानी में इबादत के अंदर रूहानी आलम में जाके दीदार किया, उस खुदावन आलमीन की जात का, उस हालत का दीदार किया कि जो दुनिया के बनाने से पहले उसकी जात थी। मैंने उसका वो नूर देखा ते सतगुर साहिब सोही, मेरा मुर्शद मौला हाजर इमाम वही है, दूसरा कोई नहीं। जन्म जन्म से मैं उसकी ताबेदारी में, उसकी अतायत में रहा। जन्म और जन्म में शरणागत राखी। शरणागत कहते हैं उसके शरण में, ताबेदारी में, फरमान बरदारी में। मैंने जन्म जन्म से उसकी इबादत की, जन्म जन्म से उसके फरमान बरदारी की, इतायत की। तो अविचल पद मुक्ताई, उस शनाखत के कारण से मेरे को अविचल कहते हैं कि जो टूटे नहीं, बिगड़े नहीं, मरे नहीं, हमेश रहे, अमर रहे, उसको अविचल कहते हैं। ऐसी मेरे को पद कहते हैं, पदवी को। पद का मतलब रास्ता भी होता है, हाथ पांव से चलने वाला पगडंडी की तरह। और पद कहते हैं दर्जे को, पदवी को। मेरे को मुक्ति की पदवी मिली, मेरे को नजात मिली, और वो नजात हमेशा अमर रहने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बहुत जगह इस बात का जिक्र किया है कि जो लोग मेरे हुक्म से जन्नत में जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बसती हैं, चल रही हैं, बाग बगीचे हैं, वो वहां हमेशा रहेंगे। वहुम फीहा खालिदून, खालिदून कहते हैं हमेशा रहने वाले, जो उधर से कभी निकाले नहीं जाएंगे। तो अविचल पद मुक्ताई, उसका रास्ता बैतुल ख्याल, बातिन की इबादत है। इस सदर दिन ने खुद ने बंदगी की, अब हमको बंदगी सिखाते हैं। जिरवाला पद मुगतीना सर्वे साध जलीना तो सत चित आनंद रे वाला पद मुगतीना सर्वे साध जली।
हमने श्री हरि मले आज मैं सरिता सायर में समानी रे वाला आज हरि मारे आंगणे आव्या साथे अनत करोड़ देव लाविया चौदह लोके वधाविया। पद मुक्ति का अमर होने का मैंने सब साधना की, इस पदवी को पाने के लिए जो चीजों की जरूरत थी, जो जो कुछ करना लाजिम था, मैंने वो सब साधना की और उसका फिर मेरे को स्वाद, मेरे को रिजल्ट, मेरे को उसका जो बदला था वो इस तरह मिला। सच्चित आनंद, सत कहते हैं हकीकत को। मुझे खुदावंद आलमीन की हकीकत का पता लगा और वो मेरे चित्त के अंदर उतरा और मुझे मन के अंदर खुशी हुई। आनंद उस आनंद को कहते हैं कि जो कभी मिटे नहीं। ये वो आनंद है कि हजरत इमाम सरकार दो जहान फरमाते हैं कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त जरूर देखा होगा, पैसे के हिसाब से, तंदुरुस्ती के हिसाब से और हिसाब से तुम्हारा दिल बहुत खुश हुआ होगा। हज़रत इमाम फरमाया मगर बैतुल ख्याल के अंदर जो तुम्हें खुशी मिलेगी वो उन तमाम खुशियों से बहुत ऊंची है। दुनिया की कोई खुशी रूहानी खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती, दुनिया की कोई भी खुशी उस रूहानी खुशी के नजदीक तक भी नहीं आ सकती, वो चीज ही दूसरी है। सत्य चित्त आनंद, मेरा चित्त ठोर ठिकाने हो गया, मेरे दिल के अंदर सुकून आ गया। सुकून कहते हैं शांति, आनंद कहते हैं खुशी को, और सत्य यानी हकीकत खुदा की मुझे ओरखान मिली। कहे गुरु सहदेव कि सदरदीन का एक लकब है गुरु सहदेव। ये सहदेव का टाइटल बनारस की यूनिवर्सिटी वालों ने फिर सदरदीन को दिया था। पंडितों के साथ फिर सदरदीन ने डिबेट की थी, उस डिबेट के अंदर जीत गए और सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उनको सहदेव का लकब दिया गया। उनके सिर पे गेरवे रंग की पगड़ी बांधी गई। गेरवा रंग कहते हैं कि जो पीला रंग है मगर जरा लालास के ऊपर होवे, जैसे साधु लोग पहनते हैं, इसी रंग का उनको झब्बा दिया गया। गले में माला डाली गई तुलसी के बीज की और उनको ये टाइटल दिया गया। ये टाइटल शास्त्री से ऊंचा है। इंग्लिश में जिस तरह से डॉक्टरेट है, पीएचडी की डिग्री वाले को डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंची डिग्री जो है तो वो पीएचडी की है। इसके इक्वेलेंट शास्त्री की डिग्री है, जो मास्टर के ऊपर की डिग्री है शास्त्री। आपको याद हो गए तो हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर शास्त्री करके था। बनारस यूनिवर्सिटी में जो मजहब के अंदर आला दर्जे की डिग्री लेते हैं उसको शास्त्री कहते हैं, मगर सहदेव की डिग्री शास्त्री से भी ऊंचा दर्जे की है। इस सदरदीन को सहदेव का टाइटल दिया गया। इस सदरदीन का एक और नाम भी गिनानों में है, वो हरिश्चंद्र है। बारगुर भी है, हाजी बाबा भी है। हाजी बाबा का लकब मुसलमानों ने दिया मगर वो कहीं गिनानों में नहीं मिला। इस सदरदीन कहते हैं मेरे को मेरा मौला मिला, मेरे दुख दूर करने वाला, मेरी मुसीबतें दूर करने वाला, मुझे शांति और खुशी देने वाला मुझे मिला। कैसे मिला? कि जैसे एक नदी समुंदर में मिल जाए,
सरिता सायर मस्तमानी, एक नदी समुंदर में मिल जाए, मैं इस तरह मौला के नूर के साथ मिल गया। ये रास्ता हमको हमारे इमामों ने रहम करके बख्शीश करके बैतुल ख्याल के नाम से दिया पुराने जमाने के अंदर। लोग अपना दुनिया का कामकाज पूरा करके 50-60 बरस की उम्र हो जाती थी, बाल बच्चे बड़े हो गए, कारोबार करने के लिए सब तैयार हो गए, दुनिया की घर की बच्चों की कमाने की और कोई फिक्र चिंता बाकी सिर में नहीं रही, तो इस बुढ़ापे की उम्र में लोग मुसाफरी करके गुरु पीर के पास जाते।